जिस दिल में मोहम्मद की मोहब्बत नहीं होती, जिस दिल में मोहम्मद की मोहब्बत नहीं होती, उस पर कभी अल्लाह की रहमत नहीं होती। हमारा ये अकीदा है, हमारा ये अकीदा है कि जब जिक्र खुदा में ये नाम ना हो शामिल तो इबादत नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम संगे मरगुरो नंज डियर खसूसीजी की तरह गलम डियर ज्यादा तारीखी जेदे जी बारे की जुता स्टेम दा द पाकिस्तान द टूलना जोर जुमात ते कम ची तकरीबन 1000 का लमख के जोर शेदे 1985 की दीजी इजाद छे उ दजे मालूम छे उ जदा द महमूद गजनवी मस्ते कम ची आगा जोर कड़े 1984 में मस्जिद के अहाते से एक खुतबा दरियाफ्त हुआ जिस पर दर्ज था कि सुल्तान महमूद गजनवी ने अपने भतीजे हाकिम मंसूर को मस्जिद की तामीर का हुक्म दिया। सिपा सालार नौशबुद्दीन के ज़ेर निगरानी मस्जिद की तामीर कराई। अब दे जुमा चिदे तसुगुरे जमुगे पुखानी द व खल्क चिदे पुखानी मुसलमानन द व कम आर्किटेक्चर व बसंगरा बिल्डिंग गुने जोड़ोल द व तसता बजीजी के जता स्टटोल खेमराजे मसरा अगो गोरे हमद तेरी हर एक लब पर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर हे हम्द तेरी हर एक लब पर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर है जात तेरी सबसे 1985 में एटली के आसार कदीमा के माहिरीन ने मस्जिद को दरियाफ्त किया और आखिरकार 28 मार्च 2010 में इस मस्जिद में पहली मर्तबा नमाज पढ़ी गई जो कि पाक आर्मी ने पढ़ी असर की नमाज। दिल से दी जमा सरा जमा मर के लिए दोनों में उसको तो पूछे नकम और सस्ते खसूसे खेमों खाली से दीदी जी बारे की इसे मुख्तसर होने की जमा व्यूअर्स चीज़ कम चीज़ जमा वीडियो जुगुरी आगो दे दी जी बारे की इसे मुख्तसर होने की इनफॉरमेशन वर्क जी आगो तो मतलब दे ये जी ऐसे दे डेट्स ची के ना दाहल को नेरी की वो लगा आगे खसूसी पॉइंट्स पे तो हुआ है ना जी दी हल को तैयार दिया दी जी रा तारीख होते अच्छी से कतुल के तजदा वेल वाड़मा चीदा जरकाला सलापासा पुखाने जुमात ते शुमाले पाकिस्तान की दादा अल्लाह को संग सलापास जरकाला मख की दा आबादो नदशी दा वस हम आबाद दे दा आग दलद जी पदी दलबानी बदल से की तिलावत करू द कुरान खत्म न बके दलो दा बके द बांग द वेलो जेरे जी दत की वेल का बांग वे वस हम दा आगाजे आबाद दे सलापास जरकाला पस दा मिरास अल्लाह पाक माल राको जी वस हम लक ज पदी दलबानी दल तक बांग वे मार पदी दड़बानी दल तक खत्म न की आओ जमा पके वर को मा सरपास जर का लपस ये जुमात ता कुरान शरीफ मारा वड़े रे आओ स पसहुनु खत्मनु मतलब दा छ लकदा पके अल्लाह पाक जमा दला सकड़ी दादा अल्लाह कोर संग छ जर का मख के आबाद हो औ न दसी वस हम आबाद दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मस्जिद के बारे में आपका क्या ख्याल है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं तो यहाँ पर मैं पहले दफा आया। मैं इसके महमूद गजनवी के मस्जिद के बारे में मैं पहले बहुत बहुत सी बातें सुनी थी। आज मैं खुद आया, अपनी आंखों से देखा। ये बहुत ही पुरसकून जगह है, ये बहुत ही जबरदस्त जगह है। यहाँ पे दिल को सुकून मिलते हैं और मैं यकीनन ये बात मैं फख्र से कहता हूँ, मैं इस बात पर फख्र करता हूँ। 1000 साल पहले ये मस्जिद भी आबाद थे, 1000 साल बाद भी ये मस्जिद आबाद है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर भी आज भी अल्लाह का नाम यहाँ लेते हैं और यहाँ पर भी बाजमात नमाज भी होते हैं, यहाँ पे कुरान शरीफ की तिलावत भी होते हैं, यहाँ अजान भी होता है और ये भी सवाद के लिए, यकीनन सवाद के लिए, पाकिस्तान के लिए और पूरी दुनिया के लिए ये अजीम और सआदत की और फख्र की बात है।
دا جمعات چې د هزار کال مخکې هم د آبادو او د خدای د رحم سره دا جمعات اوس هم آباد دی. بده کې مونځ کیږي، بده کې امام هم شته، هغه هر ټایم هغه اذان هم پنځه وخته اذان هم کوي، او بده کې مونځ باقاعده باندې کیږي. دا اوس هم کلاو دی، خو بده کې کنسټرکشن ځکه نه کیږي چې دا تاریخي ځای چې دی چې دا محفوظ وساتلی شي. 1000 سے زائد سال پرانا اس مسجد میں آپ دیکھ رہے ہو کہ مسجد کا صحن جو کہ پانی سے بھرا ہوا ہے وضو کے لیے بنایا گیا ہے. میرا یہ پیغام سب کے لیے کہ اللہ کے گھر بھی کبھی آپ آیا کرو، اللہ کے گھر کو بھی کبھی آپ یاد کیا کرو. اور سب سے پاکستان کا سب سے جو پرانا مسجد ہے یعنی کہ سلطان محمود غزنوی مسجد، اس میں بھی آپ جو ہے نا ایک نہ ایک دن ضرور آئیے. خامر کرو د جمعات تصویر دو نو وسره وني کو خپل کور زګه ټیم دې زیات نو وخت لري، او امید ساتم ستاسو به ویډیو خامخا خو خوشوي. تاسو ډیر ډیر مننه چې تاسو ما ویډیو وکړه، دا ویډیو خامخا لایک کړئ. شایدم کالو هالو ایوری ون، آی ام حمزه عبید اینڈ دس از لیجند ناو آی ایم چینل ون سے پاکستان. لائک حمزه عبید پیج، لائک حمزه عبید یوٹیوب چینل اینڈ شیئر ہم، لائک ہم اینڈ ڈو ایوریتھنگ ود ہم. This is Pawan Khan from Pakistan, the most talented guy of Pakistan. I am more than talented than other people. Okay. I'm not know, telling I'm you. I'm more talented a than lot you. Of I got 53 certificates. I visited a lot of schools and colleges, you know. I'm not telling you. I'm not telling you.